तीन दिन से काफी ज्यादा बारिश हो रहा था और अभी रास्ते पे आ रहे कुछ काम करने के लिए। आई पंजाब में कुछ अभी प्रोटेस्ट होते रह रहे हैं। देखो हां ये क्या करना है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 10 बज गए हैं, सारे लोग उठ चुके हैं और बाहर बिल्कुल ही धुंध हुआ पड़ा हुआ है। मौसम वैसे ठीक है, बारिश वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन ठंड बहुत ही ज़्यादा है और बाहर बिल्कुल ही धुंध पड़ा हुआ है। और हम लोग तो सो के उठ चुके हैं और मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी होने जा रहा हूँ, लेकिन साहित्य अभी तक सोया पड़ा हुआ है। देखो उसको जगाता हूँ, उसका रिएक्शन कैसे करता है ये। साहित्य साहित्य कब तक सोएगा? चलो उठो, ब्रश करो जल्दी, आपका आने वाला है, लिंक आने वाला है स्कूल का। चलो उठो जल्दी, उठो, गेट अप। वेरी गुड वेरी गुड साहित्य, वेरी गुड। आ जाओ मेरे गोदी, आ जाओ, तुमको ब्रश कराता हूँ। ब्रश कर लो, गुड मॉर्निंग बोल दो एक बार जोर से। चलो चलो चलो, ब्रश कराता हूँ आपको। ओ गेट खोलना पड़ेगा, गेट 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 खुल गया। चलो 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 चलो, ब्रश कराता हूँ आपको। चलो चलो, ये भी खड़ा 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 हो जाए यहाँ पे, जल्दी कर लो फटाफट, ब्रश कर लो फटाफट जल्दी, और स्पीड में साफ हो जाएगा जल्दी। थोड़ी देर दिखाना मुंह, दिखाना अपना, थोड़ा मुंह दिखाना, मुंह दिखाना, मुंह दिखाना। ये हंस रहा है, हंस रहा है, हंस रहा है। तीन दिन से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा था और अभी रास्ते पे आया था कुछ काम वगैरह करने के लिए, और आए दिन पंजाब में कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट होते ही रह रहे हैं, तो यहाँ रास्ता ही ब्लॉक है, आगे न जाने का ना पीछे का भी। यहाँ वेट करते हैं, देखिए कितना बड़ा प्रोटेस्ट है। तो एक तरफ ट्रैफिक ट्रैफिक फंसा हुआ है और दूसरे तरफ से पुलिस वाले ने जाने के लिए बोल दिया, तो अब मैं यहाँ से निकला हूँ, जस्ट अभी निकला हूँ, देखता हूँ कितना टाइम लगता है घर पहुँचने। देखिए दूसरी तरफ, दूसरी तरफ ट्रैफिक जाम हो गया है, ताकि उस तरफ से कोई आएगा जाएगा नहीं, और ये रास्ता बिल्कुल खाली हो गया, तभी इतनी जल्दी से मैं आसानी से निकल जाऊँगा। सो गाइस, फाइनली सारा काम करके मैं भी घर आ गया हूँ, और घर आया तो पता चला कि ठंड काफ़ी है। मेरे घर का भी हीटर ख़राब हो चुका है और बगल में जो भाभी जी हैं पीजी वाली, उनका भी हीटर ख़राब हो चुका है। ख़राब हो चुका है या है कि नहीं इनका मुझे नहीं पता। तो जब मैं घर आ रहा था, तो उन्होंने रास्ते में रोक के मुझसे बोला कि चंचल मुझे बहुत ठंड लग रही है, चलो मुझे यार हीटर दिलाओ। तो भाभी जी को लेकर जाने वाला कोई है नहीं, तो मेरे से ही सारा काम बोलती है, तो इस कारण मैं भाभी जी को जा रहा हूँ हीटर दिलाने के लिए। तो ये मेरे गाड़ी में एक 40 साल की ब्यूटीफुल गर्ल लाके बैठ गई हीटर लेने के लिए, मुंह अपना बंद करके रखी हुई। दिखाइए मुंह, दिखाइए, हेलो बोलिए, हेलो। ले देखो ऐसे हम लोग सो रहे हैं अभी। और कहाँ जा रहे हैं डुगू हम लोग? हीटर लेने के लिए। किसके लिए हीटर लेना है? हमारे के लिए। और क्या करेगा हीटर पे? हीटर में हम लोग सेकेंगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं सेकने के लिए, सॉरी सेकने के लिए नहीं, जा रहा है हीटर लेने के लिए। हीटर ये बजाज वाला ब्लोअर है ना, ये सारे हीटर हीटर है। ओटीजी में एक कन्वेंशनल भी होता है ना रीमा भाभी? कन्वेंशनल ही लेना, अगर लेना होगा तो लाइट आ गई, जो भी लेना होगा कन्वेंशनल ही लेना, अगर माइक्रोवेव लेना है तो। नहीं आप उसमें कन्वेंशनल में आप पिज्जा भी बना सकते हो आप। अच्छा चलो, पहले पहले लाइट आ गया, पहले हीटर एक बार चेक कर लेते हैं रीमा भाई, पहले हीटर एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा हीटर यहाँ पे चेक हो रहा है कि कैसा वार्म करता है। लगाओ भैया, वायर इतना ही बड़ा है। अच्छा इसमें दो ही रॉड है? नहीं नहीं खराब होगा, नहीं खराब होगा, नहीं खराब होगा। देखो ये हीट हो गया, ठीक है। एक ही लगा है? मैंने अपने घर के लिए, घर के लिए भी यही बुक कराया है मैंने। दोनों लगाना, दोनों अच्छा दोनों चल रहे हैं। हाँ काफी गर्म भी हो रहा है, देखो एक बार देखो, अच्छे से देख लो, ठंड ज्यादा पड़ रहा है, अच्छे से बिल्कुल देख लो, बिल्कुल हाथ हीट हो जाना चाहिए। डुगू तू क्या देख रहा है, तुझे क्या लेना है? साहित्या तुम्हें क्या लेना है? ये गीजर है बेटा, ये नहीं, क्या है अंगर? क्या नहीं, ये है? ये गीजर है, नहीं है नहीं। ये ब्लू स्टार का क्या है? गीजर नहीं है, यहाँ पे लिखा होता है, ये देखो पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पढ़ के देखो। ये नहीं नहीं, ये है तुम्हारा, ये देख देख, ब्लू स्टार पोर्टेबल वन टॉप
ये वॉशिंग मशीन है, ये वॉशिंग मशीन, ये 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 देखो ये वाला चिमनी मुझे लगाना है, ये वाला नहीं नहीं मुझे ये वाला चिमनी लगाना है, ये वाला दिस वन, देखो कितना अच्छा है ये, है ना बढ़िया। ये देखो इतनी सारी चिमनियाँ यहाँ लगी हुई है, और ये यहाँ पे चिमनी, आगे एलसीडी, और ये सारे फ्रिज ही फ्रिज। क्या लेना तुमको सहित, क्या लेना है, क्या लेना है, क्या लेना है, क्या लेना है तुम्हें? वो तो वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन तो आपके घर पे है ही, ये आपके काम का, ये स्पीकर, ये देखो हाँ, ये क्या लेके जाना है, सारा स्पीकर लेके जाना है। कहाँ कहाँ लेके जाएगा, क्या आए थे हम हीटर एक लेने के लिए भाभी जी के लिए, लेकिन हमने ले लिया दो हीटर, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगा, तो मेरे घर में भी हीटर खराब हो गया था, इसलिए मैंने दो हीटर ले लिया। और ये साहित्या और ये डुगू जम के बदमाशी कर रहे, दिखाता हूँ आपको। तो तुम बदमाशी कर रहे हो, खेलने के लिए आए हो, हाँ चेयर क्यों घुमा रहे हो, अरे अरे ये देखो यहाँ पे भी आगे खेलने लग गया, ये फूल मस्ती कर रहा है, मस्ती, ये देखो भी मस्ती कर रहा है, डुगू भी आ गया। तो हम आए थे एक हीटर लेने के लिए, लेकिन हमने ले लिया दो हीटर, और ये बंदा डिक्की में रख रहा है, और घर चल के आपको दिखाता हूँ कि हमने कौन सा हीटर लिया हुआ है। हो गया, देखना मामा कहाँ रहेगी, जल्दी बुला के लेके आओ सारा सामान गाड़ी में, क्या पता अंदर क्या भी करे, बुला के लेके आओ जल्दी, बोलो पापा बुला रहे हैं, जल्दी लेके आओ। ये साहित्य गया है रिया को बुलाने के लिए, अभी हम आगे गाड़ी में बैठे हुए हैं, और ये क्या पता अंदर अभी क्या कर रही है, क्या देख रही है, औरतों को तो पता ही है कुछ ना कुछ देखती ही रहती हैं, तो गया है रिया को बुलाने के लिए। ये आ गया, क्या हुआ, क्या कौन सा बिल? सो गाइस फाइनली हमने अपना हीटर, रूम हीटर लेके आ गए हैं, और हीटर के सामने अपने आप को हीट कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ कैसे मूव करता है ये। ये साहित्या बेटा ये देखो कैसे अपने आप को मूव कर रहा है, देखो ये हीटर देखो कैसे घूम रहा है, ठीक है, इससे पूरा रूम हीट हो जाएगा, ठीक है, पूरा घूमेगा, देखो पूरा रूम हीट हो, 10 मिनट पूरा रूम हीट हो जाएगा। अब जैकेट पहनने का भी जरूरी नहीं होगा, मैं जैकेट खोल लिया, क्या जैकेट खोल लिया, ठीक है, अभी थोड़ी देर में पूरा रूम हीट हो जाएगा।